तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाई लोग। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं भौगोलिक उपनाम के बारे में, जो कि झारखंड जीके में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, देखिए क्या है यार, झारखंड की वैकेंसी का तो कोई भरोसा रहता नहीं है, लेकिन चलिए जो भी हो हम लोग तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, भले आए या ना आए पढ़ लेते हैं यार, पढ़ने में मज़ा लगता है बस झारखंड का जीके। भौगोलिक उपनाम, देखिए अगर आपका झारखंड में कोई भी एग्जाम होगा तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, लेकिन बात यही है कि झारखंड में वैकेंसी ही नहीं आता है। चलिए देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम। ठीक है, तो देखिए किस शहर को किस नाम से पुकारा जाता है, इसमें जानेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है, नेतरहाट। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका, किसकी मल्लिका? पहाड़ियों की मल्लिका, आपकी मल्लिका नहीं, पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है पहाड़ियों की मल्लिका। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों जमशेदपुर को झारखंड का, सॉरी भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, जमशेदपुर। ठीक है, और विश्व का पिट्सबर्ग जो है आपका इंग्लैंड में है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बोकारो स्टील सिटी के नाम से हमारा एक जिला है, ठीक है, उसको नहीं कहा जाता है, जमशेदपुर को कहा जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, जमशेदपुर मारना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो प्लीज यार लिखने की कृपा करेंगे मेरे भाई लोग और बहन लोग, ठीक है, जो भी हैं दोस्त लोग। पांचवा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोरांबे को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है छठा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को मोरिट्स आपका पैराडाइज कहा जाता है? ठीक है, तो मोरिट्स पैराडाइज कहा जाता है किसको? झारखंड के किस शहर को? रांची को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है 7-1 में, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, ठीक है, कहा जाता है? तो देखिए चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो सारंडा के जंगल एकदम सुंदर है, ब्यूटीफुल बोले तो, ठीक है, वहां पे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यार कभी घूमने का मौका मिला तो झारखंड को पूरा घूमना है बॉस, ठीक है, भले आप विदेश घूमे या ना घूमे, फॉरेन कंट्री जाएं या ना जाएं, लेकिन झारखंड को राजमहल जाइए, सारंडा जाइए, नेतरहाट जाइए, बूढ़ाघाट जाइए, लोधा जाइए, झुंडू जाइए, ठीक है, इस तरह से घूमने वाले जगह, मैथन डैम जाइए। आगे देखते हैं झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? तो धनबाद को भारत की कोयला राजधानी और झारखंड का कोयला नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे BCCL, CCCL, जो CCL, BCCL, इन सभी का कारखाना वहाँ पे है, कोयला के लिए फेमस ही है यार, विशेष रूप से झरिया। अगला है मंदिरों का शहर के नाम से किसको जानते हैं? तो देखिए हम लोग मंदिरों का शहर के नाम से किसको जानते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा देवघर, यानी कि देव का घर, भगवान का घर। आगे देख लेते हैं, तो मंदिरों का शहर अलग है देवघर, और मंदिरों का गांव अगर पूछ ले तो हम लोग बोलेंगे मलूटी, क्या? मलूटी, ऑप्शन है, ठीक है, मंदिरों का गांव मलूटी को बोलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जानते हैं? तो देखिए एक मिनट यार, चलिए तो क्वेश्चन क्या था कि खेल नगरी, ठीक है, स्पोर्ट सिटी के नाम से किसको जानते हैं? तो जमशेदपुर को हम लोग स्पोर्ट सिटी यानी कि खेल नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि बंगाल की राजधानी के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं बंगाल की राजधानी के नाम से? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ, बहुत ब्यूटीफुल जगह है यार, सच में ट्रेन में जाने का रास्ता है, घूमिए। अगला है झारखंड महादेव, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए बैद्यनाथ धाम को जो है झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो खदानों का शहर किसको कहा जाता है? देखिए धनबाद को जो है झारखंड में खदानों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडो पुजारियों की नगरी किसको कहा जाता है, तो पंडो पुजारियों की नगरी जो है वासुकीनाथ को कहा जाता है, ठीक है, देवघर के सामने में ही है आपका। अगला क्वेश्चन है कारखानों का कारखाना किसको कहा जाता है, तो HEC को जो है ये मैं लिख देता हूँ, HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। अगला है भारत का रूर, ठीक है, यानी कि झारखंड का खजाना किसको कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है भारत का जो है सेफील्ड, कौन से फील्ड, सेफील्ड किसको कहा जाता है, तो दोस्तों भेंड्रा जो कि बोकारो का एक गांव है, मेरा नानी घर है यार, स्पेशली बचपन से मैं यहीं पे मतलब बहुत बार गया हूँ, क्या नानी घर है तो नहीं जाएंगे, तो भेंड्रा में जो क्या है कि यहाँ क्यों सेफील्ड कहा जाता है, अंग्रेजों के ज़माने में जो है यहाँ पे बहुत सारे पिस्तौल हथियार वगैरह बनाए जाते थे और अभी भी बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारे भट्टियाँ हैं जहाँ पे औजार वगैरह बनाए जाते हैं, यार डायरेक्टली बात बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है, तो बंगाल का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं किसको, दामोदर नदी को, ठीक है, और दामोदर नदी स्पेशली झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 22, इसमें पूछा गया है झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कारखानों का शहर जमशेदपुर को हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो झारखंड का शिमला हम लोग किसको बोलते हैं, रांची को बोलते हैं, झारखंड का शिमला, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, क्योंकि भारत का स्विट्जरलैंड है या जम्मू कश्मीर, झारखंड का स्विट्जरलैंड यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन, कि झारखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि झारखंड का स्विट्जरलैंड किसको बोला जाता है, छोटा नागपुर को, ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बूढ़ा घाग जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, बूढ़ा घाग के नाम से कौन जाना जाता है, तो लौधा को जानते हैं, लौधा जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद आता है हुंडरू फॉल जो कि रांची में है, बूढ़ा घाग जो है आपका सबसे बड़ा है जलप्रपात। तो बस ये 25 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और एक दो नोट कर लीजिए, जैसे कि सिल्क सिटी के नाम से यानी कि रेशम शहर के नाम से दुमका को जाना जाता है, और क्या बोलिएगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। और झारखंड की उपराजधानी जानते ही हैं, दुमका को कहा जाता है, बाकी झारखंड जो है आपका बूसलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बूसलैंड, ठीक है, बूसलैंड के नाम से झारखंड को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आप नोट कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही अपने नॉलेज के लिए भी आप रेडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जोहार झारखंड।